कैसी लगी आपको? मूवी काफी अच्छी थी एंड मूवी के बारे में कहेंगे, मूवी के बारे में हर चीज अच्छा था। डायरेक्शन काफी प्यारा था, काफी खूबसूरती से फिल्म को जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया था सिद्धार्थ आनंद जी ने, एंड काफी अच्छा किया था। एंड अभिनंदन वाला प्लॉट सबको याद है? आप सबको याद रहेगा अभिनंदन वाला प्लॉट, वो चीज हल्की सी मसालेदार को वो दिखी एंड वो चीज देखने में जो प्राउड फील हुआ है, जैसा प्राउड फील हुआ है, काफी अच्छा था सब चीज उस पे लगी। और ऐसा कोई सीन जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा मूवी में? ऐसा कोई चीज क्लाइमेक्स सीन कहेंगे, जो बोल जय हिंद और उसके पैर पकड़ के जो आता है, जो गूज़बम्स आते हैं, नेक्स्ट लेवल चीज था वो। और ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप सोच कर नहीं गए थे वो अचानक आपको मूवी में देखने मिल गया और बहुत अच्छा लगा? ऐसे कहीं नहीं, ज्यादातर सबको देखा ही था, ऑब्वियस सी बात है। आशीष राणा हाँ, वो हाँ एटलीस्ट सरप्राइज करेंगे कि वॉर में भी देखा था हमने, पठान में भी देखा था। हाँ, वो हल्का सा अच्छा, मेरे को ना कुछ तो मेन कुछ तो होगा, लेकिन इतना कुछ था नहीं उनका। और ऐसा कोई कैरेक्टर? बरोबर दिया जितना जरूरत थी, जितना जरूरत से ज्यादा भी नहीं दिखाना चाहिए ऐसा कहेंगे, नहीं तो काफी बोरिंग लगता है। एंड सबको बरोबर स्क्रीन टाइम नहीं, सबको बरोबर दिया। बस हाँ, उनका रोल जो था काफी सही था एंड वो क्लाइमेक्स में जो काम किया उन्होंने वो भी नेक्स्ट लेवल था। मूवी को 5 में सर कितनी रेटिंग देना चाहिए? 3.5। थैंक यू। कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से अच्छा कोई सनम नहीं होता। कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से अच्छा कोई सनम नहीं होता। हीरे जवाहरात पे तो मरते हैं सब, पर तिरंगे से अच्छा कोई कफन नहीं होता। तो हाँ, इस तरह की कुछ शायरी थी इसके अंदर, तो डायरेक्ट जाके यहाँ लगी अपने दिल पे, और ऐसी लगी कि मतलब अभी तक नशा नहीं उतरा अपना। तो औसम मूवी है, क्लास मूवी है, और पाकिस्तान और इंडिया का कंटेंट तो बहुत पुराना है, पहले से ही है, बट इसके अंदर थोड़ी यूनिकनेस है। ऋतिक रोशन का काम काफी अच्छा है और सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन, मतलब बैंग बैंग पठान वॉर मचा दिया भाई उसने, अलग ही इस यूनिवर्स का है ही नहीं। मार्वल वाले कोने में बैठ के रोएंगे उसको देख के, इस तरह का VFX है मूवी में, तो मजा आ गया मूवी में। अरे भाई सांसें थमेगी तो मैं फिर अगला सीन कैसे देखूंगा, मतलब सांसें नहीं थमी मेरी, मेरे मतलब गूज़बम्स आ गए ऐसे ऐसे, मतलब ऑडियंस ऐसे रिलेट करेगी ना हर चीज को लेकर उसको, आपको इतना इमोशनल करेगी वो, इतने मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ग्रोवर हो या फिर ऋतिक रोशन हो, दीपिका पादुकोण हो, सबका काम बहुत अच्छा है, मूवी बहुत बेहतरीन है, डायरेक्शन काफी अच्छा है। तो भाई मूवी देख के तो मुझे तो भाई बहुत मजा आया। देखो कैसा है ना, पठान में शाहरुख 4 साल के बाद कमबैक किया था, और जो उसके डायलॉग्स थे ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, बट इस मूवी ने ऐसा ना गाने से इम्प्रेस किया ना टीजर से, जहां तक हाइप बनी ना मूवी की थोड़ी बहुत तो ट्रेलर से बनी है, तो पब्लिक ऑडियंस आज भी इतनी आई नहीं है, बट कल 26 जनवरी है, वर्ड ऑफ माउथ इसका अच्छा निकल कर आ रहा है आज हर जगह से, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल से इसकी ऑडियंस अच्छी होगी और ऑडियंस ज्यादा रिलेट कर पाएगी इस चीज को, और 500 करोड़ में भी शायद इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 350 तक ये पहुंच जाए, बट 1000 करोड़ मुझे नहीं लगता कि वहां तक पहुंचेगी, बट पहुंचना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए। 5 out of 5 मूवी के लिए मेरी तरफ से। क्या बात है, थैंक यू। पहले 26 जनवरी के सबको बताइए, उसके बाद हम 25 जनवरी को आगे देख रहे हैं फाइटर। ऋतिक रोशन के अभी के जितने फिल्में थी, ऋतिक रोशन तो ऐसी मास्टरपीस है इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, लेकिन इतना बेहतरीन काम किया है, उसके एक्सप्रेशन सबसे उसका बड़ा एटीट्यूड होता है, जो हाइट पर्सनालिटी के ना उसके बाकी घमंड होना चाहिए उसके ऊपर, और ऋतिक रोशन ने इतना बेहतरीन काम किया है उसके साथ में। अब मैं बोलूंगा कि भाई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आप अनिल कपूर है, लेकिन अनिल कपूर भी अच्छा है, लेकिन क्या है एक सपोर्टिंग एक्टर, लेकिन ऋतिक रोशन ने फोकस रखा है, इतना जबरदस्त काम है उसका, और दीपिका पादुकोण के साथ में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और दीपिका के साथ एक बात है कि उसकी केमिस्ट्री सभी के साथ अच्छी होती है, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त एक्टर है, उसको देखिए तो चलता है मस्ता नहीं याद आती है।
है कि उसका देखते चेहरा और उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी बहुत हार्ड है और डायलॉग डिलीवरी उसकी इतनी परफेक्ट होती है कि बोलिए ऐसा कोई सीन जिसको देख के आपकी सांसें थम सी गई भाई स्टार्ट टू एंड तक फिल्म के अंदर ना आपको एक मिनट हिलने नहीं देगा ये सबसे बड़ी खूबी डायरेक्शन की होती है और ऐसा इसके अंदर शॉट बोले तो जबरदस्त शॉट है जितने भी एक्शन शॉट है ना जो टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए जो उसका जो पुलवामा का अटैक हुआ उसका यानी जो भी भी शॉट है आप एक बार देख सकते हैं इतने जबरदस्त शॉट है। और आपको क्या लगता है जी थिएटर में लोग कम क्यों है वजह क्या लग रही है? वजह ये है एनिमल में कम थे, केरला स्टोरी में कम थे, कश्मीर फाइल में कम थे, कांतारा में कम थे। जो जो कम होती है ऑडियंस होती है ना इसका मतलब ये नहीं होती कि फिल्म अच्छी नहीं है, जिससे जिसका चाहत होती है। ये फिल्म का टाइम है कैसा है चाहे बॉलीवुड प्रमोशन करे ना करे फिल्म आपकी अच्छी हो ना तो छोटी 18-20 करोड़ की भी फिल्म जबरदस्त होती है 100 करोड़ कमा लेती है। हम लोग कर रहे हैं प्रमोट। हाँ कीजिए ना भाई। नहीं नहीं देखो सबसे पहले अगर ये प्रमोट भी कर रहे हैं ना ये आप सोचिए कि देशभक्ति कर रहे हो, देश के लिए आप कर रहे हो जो भी कुछ है ये पहले आधे अंदर से आवाज निकालो मैं देश के लिए कर रहा हूँ। ये फिल्म हर बच्चे हर परिवार के अंदर ही होना चाहिए। हाँ हर परिवार में ये होना चाहिए कि मेरा बेटा आर्मी नेवी इसी में जाना चाहिए हमारे देश की सेवा करना चाहिए। लेकिन बहुत कम होते हैं सोचते हैं कि भाई ऐसा जाए जिसके अंदर वो हीरोइन के बाबा भी नहीं सोचते कि हमारी बेटी इसमें जाए लेकिन वो उसका भाई बहुत जबरदस्त काम है उसका। आप 5 में से कितनी रेटिंग करेंगे मूवी को? भाई 5/5 दूंगा। सबसे पहले तो हमारे देश के लिए देना चाहिए बहुत जरूरी है पहले देश आप ये सोच हर एक ने सोचना चाहिए पहले देश फिर परिवार फिर हमारा धर्म ये तीनों चीज लेके चलो जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आपको रहेगी। क्या लगता है मूवी रिकॉर्ड बनाएगी? रिकॉर्ड के बारे में तो बोल नहीं सकता लेकिन अच्छी फिल्म है और हिट फिल्म है इतना बोल सकता हूँ मैं। रिकॉर्ड के बारे में बोल नहीं सकता मैं। देश के प्रति है ना इसलिए देश के प्रति कैसा है हर एक के दिल में प्यार होना चाहिए पहले हमारे देश के बारे में सोचेगा ना आदमी हर एक आदमी आके देखेगा। थैंक यू धन्यवाद जी।